आज बाजार में हमने देखा, जब मार्केट में सुबह से प्रेशर था, लेकिन उसके बाद आपको मिड डे में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी। अपने डेज लो से लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर मार्केट हुई भी थी, बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ था, लेकिन अब वो सारे गेंस इरोड हुए हैं। ना सिर्फ इरोड हुए हैं बल्कि प्रेशर और ज़्यादा माउंट हुआ है, और इस प्रेशर को ज़्यादा माउंट करने वाले स्टॉक्स में आपको हैवी वेट्स में आपको ये मेटल काउंटर्स ज़्यादा दिखेंगे, ऑटो पैक के काउंटर्स दिखेंगे, बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स आपको तेज़ गिरावट के साथ दिखाई देंगे। और ना सिर्फ आपको ये हैवी वेट्स इंडेक्स में आप निफ्टी पर आपको स्ट्रैटेजी दिख रहा है, आपको ब्रॉडर मार्केट में भी एक अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट आपको सेल ऑफ दिख रहा है। तो फार्मा और एफएमसीजी डिफेंसिव बेट्स जो है, या फिर सिर्फ न्यूज का ट्रिगर है, एशियन पेंट जैसे काउंटर, ऑयल कंज्यूमर जैसे काउंटर्स जहां पर ब्रेंट की वीकनेस का एक फायदा मिलता है, वो कुछ काउंटर्स हैं जो आपको फिर भी एक फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर थोड़ी बढ़त के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज क्योंकि आईटी पैक ने आज एक कॉन्ट्राडेट भी दिखाया, सेक्टोरिकली भी मूव चेंज हुई, चर्न हुए, और क्योंकि डिफेंसिव बेट्स ही चल रहे थे, ओवरसोल्ड वाले ये सेक्टर्स थे, तो वहाँ मूवमेंट दिखी। लेकिन क्या ये सौदे कैरी करके भी लिए जा सकते हैं? राजेश, आप क्या सलाह देंगे? एचसीएल टेक हो, या टीसीएस हो, या फिर मिड कैप आईटी के काउंटर्स हो, आपको लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल इनकी फर्दर ऊपर की कॉल्स में बाइंग देख रहे हैं, या ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा है कि इन्हें कैरी फॉरवर्ड ट्रेड किया जाए, या अभी भी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है? देखिए, ट्रेंड तो अभी भी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा जरूर बाइंग बना है लोअर साइड से, बट स्टिल हमें लगता है कि अभी वो नहीं है, थोड़ा वेट ही करें। तो थोड़ा वेट करने की सलाह होगी, लेकिन इस बीच आप बाजार में आप देखें तो बड़ा प्रेशर कहाँ से आया? आज दिन भर में आप अगर प्रेशर देखेंगे तो आपको बड़े गिरने वाले पहले काउंटर्स, अगर आप निफ्टी के ड्रैगर्स की बात करें, उसमें अदानी पोर्ट लगभग 6.5% की ड्रैगर, आपको ऑटो पैक के वो काउंटर्स जिनमें अच्छी मूव आ रही थी लगातार, मारुति जैसे काउंटर, वहाँ पर आपको 6% की गिरावट, टाटा मोटर्स आज 6% के साथ गिरा हुआ है, एल्युमिनियम काउंटर्स, दोनों ही काउंटर्स आपको हिंडाल्को हो, वेदांता हो, इनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आईटीसी इनफैक्ट शुक्रवार तक आपको गेंस के साथ ट्रेड कर रहा था, इनफैक्ट ये बीटीएससी ट्रेड्स थे, लेकिन आज वहां पर भी 4% का सेल ऑफ आप देख रहे हैं। बढ़ने वाले काउंटर जो हरे निशान में इस वक्त बंद होकर जा रहे हैं, उसमें आपको सबसे ऊपर दिख रहे हैं काउंटर्स लाइक नेस्ले इंडिया, इंफोसिस, एचसीएल, और साथ ही फार्मा काउंटर्स लाइक डिविस लैब। तो फार्मा हो, एफएमसीजी हो, आईटी का प्ले हो, ये फिर भी काउंटर्स में आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसी तरह से अगर आप मिड कैप की भी बात करें तो वहां पर भी आपके कौन से काउंटर्स बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले काउंटर्स में आपके लिए यही काउंटर्स दिखेंगे, इमामी हो गया, इपका लैब हुआ, या फिर डॉक्टर लाल पात लैब जैसे काउंटर्स हुए, कोफोर्ज, LTTS आपके मिड कैप आईटी में कुछ काउंटर हुए, एम्फोसिस जैसे काउंटर्स हुए, जहां पर आप बढ़त देख रहे हैं। बड़ी गिरावट मिड कैप स्पेस में भी आई है, तो टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक में, महिंद्रा फाइनेंशियल, ये लगभग 20% से ज्यादा की दो दिन में डेंट झेल चुका है स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज फ्लो, और अब पूरे पैक्स में वीकनेस है, सभी सेक्टर्स में वीकनेस है, तो इस पर भी दबाव और बढ़ रहा है। JSPL जैसे काउंटर 6.5%, ओबेरॉय रियलिटी एक अच्छी पिक थी, पिछले हफ्ते अच्छा परफॉर्म भी किया और इस पर रिकमेंडेशन भी थी, वहां पर भी 6% की गिरावट। इनफैक्ट पिछले हफ्ते आप अगर पूरे हफ्ते के लास्ट के तीन दिन को अगर छोड़ दें तो जिन स्टॉक्स में सेक्टर्स में अच्छी मूव आ रही थी उन्होंने सबसे ज्यादा गिरावट भी दिखाई, और डिफेंसिव बेट्स थे जो पिछले हफ्ते वीकली गेन के साथ गए। तो जो चर्निंग डिफेंसिव एफएमसीजी पैक में देखने को मिल रही है वो आज भी क्लियरली कंटिन्यूड है सोमवार के दिन भी। और डेरिवेटिव स्पेस में भी आप अगर बात करें तो वहां पर भी आपको एक्शन इसी तरह का देखने को मिल रहा है। पहले बड़े काउंटर्स जो बढ़त के साथ बंद हो रहे हैं 3% की बढ़त के साथ, मेट्रोपोलिस है, डॉक्टर लालपात लैब लगभग 3%, इपका लैब 2%, आइडिया एक काउंटर आपको दिख रहा है जहाँ पे तेजी से शॉर्ट्स कवर हुआ है, विप्रो सिप्ला जैसे काउंटर, ल्यूपिन में भी अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर भी मूव्स है लगभग 0.5% की। तो क्लियरली बाजार अब भी क्लोजिंग के समय, दिन भर तो रहा ही है डिफेंसिव मोड में, बाद में भी यहाँ क्लोजिंग के वक्त भी आपको किसी तरह के कन्विक्शन अग्रेसिव बेट्स नहीं ट्रेडर्स ले रहे हैं, अभी भी डिफेंसिव बेट्स ही घर पे जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा दूसरे काउंटर्स हैं वो इन्फोसिस जैसे काउंटर है, एचसीएल टेक जैसे, LTTS, पर्सिस्टेंट, यहाँ पर आपको तेजी के ट्रेड दिख रहे हैं, और कुछ काउंटर्स आपको जो ऑयल की वीकनेस का फायदा जैसे पेन काउंटर्स देखने को मिला, और बहुत कुछ सिलेक्टिव स्पेसेस जैसे एक्सपोर्ट काउंटर्स जो आपको गुजरात एक्सपोर्ट हुआ, वेपर ग्लोबल जैसे काउंटर हुए, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख रहा है। टायर स्टॉक्स में से आपको CHF इस वक्त लगभग 2.5% की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली बाजार तो बहुत हद तक डिफेंसिव मोड में, 17,000 एक बड़ा क्रूशल पिविट, 16,990 का एक पिविट सपोर्ट लेवल भी बताया जा रहा है, और मार्केट बंद तो उसके ऊपर हुई है लेकिन कहीं से भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं देख रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, तो समय देना पड़ेगा मार्केट को, और वैसे भी कल गैप या गैप डाउन के साथ आप उस लेवल को या तो बचाएंगे या तो फिर ऊपर लेके जाएंगे।